नगर में भी फ्रांस में आकर दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना शखाके जो है शायद किए गए उनके खिलाफ यहां पे एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो एहतजाज कर रहे हैं और वो हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद, मैं तमाम फार्मा यूनियन जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फार्मा यूनियन मेडिकल रैप के एसोसिएशन है बहावल नगर में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, हम तमाम लोग बड़े दिगर लोग हैं, हम इसमें जो है शिरकत की है, तमाम मुसलमानों ने पूरे अमन एहतजाज कर रहे हैं। तो मेरा तमाम यूनियन की तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से गवर्नमेंट को एक पैगाम है कि अगर वो लोग इस तरह के जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं तो हम एक प्रोडक्ट जो है उनका बायकॉट नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गार्नियर के प्रोडक्ट्स हैं, टोटो का पंप है तो PSO के पंप से पेट्रोल डलवा लें, गार्नियर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करके उनकी तरह जो और पाकिस्तानी मसनूआत हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना बिस्किट्स वगैरह हम खाते हैं, लू की प्रोडक्ट्स हैं जो मशहूर है जिनका हमें पता है, कम अज़ कम हम उनका तो बायकॉट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो उसका फ्रांस का सफीर है उसका बायकॉट करें, उसे बाहर निकालें, और पाकिस्तान का सफीर तो वैसे ही माशाल्लाह सुना है कि वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर है भी वहाँ पर तो उसे पाकिस्तान में वापस बुलाया जाए। तो भाई तमाम फार्मा यूनियन जो एसोसिएशन है उसकी जान से ये गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द अज़ जल्द जो है वो इसका मदावा किया जाए। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे ईमान का तकाजा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठने वाली उंगली आंख जो है उसको निकाल बाहर फेंके। तो हम
हमारी वीडियो को लाइक करें, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गौरी फॉर यू को सब्सक्राइब करें। बेहद शुक्रिया।